जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि आप कैसे गूगल इमेजेस अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो बगैर किसी कॉपीराइट स्ट्राइक या कॉपीराइट क्लेम के, तो कैसे कर सकते हैं मैं बताऊंगा आपको आज इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ हमाद 946। तो आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप कैसे गूगल इमेजेस फ्री यूज़ कर सकते हैं वो बगैर किसी कॉपीराइट स्ट्राइक या क्लेम के। तो आज की वीडियो बहुत शॉर्ट होने वाली है, वीडियो पूरी देखिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो लाइक नहीं की तो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, क्योंकि मेरे चैनल पर इस तरह की काफ़ी सारी वीडियोस आती रहती हैं कि आप कैसे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं बगैर अपना फेसबुक है और कॉपी पेस्ट काम करके, घर बैठे कुछ घंटे काम करके आप कैसे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। तो लेट्स मूव ऑन माय लैपटॉप। तो यहाँ पर हम सिंपली गूगल पे चले जाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं वेजिटेबल्स लिख या फ्रूट्स लिख के देख लेते हैं। यहाँ पर हम फ्रूट्स लिखते हैं तो यहाँ पर सीधा डायरेक्टली हम इमेजेस पे चले जाते हैं। तो इमेजेस को देखने से पहले, अगर आप में से किसी ने मेरी कंपैरिजन वाली वीडियो नहीं देखी कि फ्री स्टॉक इमेजेस एंड गूगल इमेजेस में क्या डिफरेंसेस हैं, तो डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे रहा हूँ, ऊपर आई बटन पे भी आ रहा होगा, आप ज़रूर जाके एक बार देखिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके कि फ्री स्टॉक इमेजेस ज़्यादा बेस्ट है या गूगल। हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जैसे ही हमने यहाँ पर फ्रूट लिखा तो हमें यहाँ पर काफ़ी सारी फ्रूट्स की इमेजेस यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पर हम कोई भी रैंडम पिक्चर उठा लेते हैं। तो यहाँ पर हम अगर ओपन ए न्यू टैब करते हैं तो हमें ये सीधी पिक्चर उस वेबसाइट पे ले जाएगी जहाँ से ये इमेज गूगल ने उठाई है। अब जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि ये अब कोई वेबसाइट है, इसका मुझे नहीं पता कि कौन सी वेबसाइट है यहाँ से गूगल ने इमेज उठाई हुई है। अब नीचे देखें तो ये काफ़ी सारी यहाँ पर इमेजेस को रेड एप्पल, ब्राउन पीच, पता नहीं और क्या क्या यहाँ पर, मतलब कि जो जो यहाँ पर दिया गया यहाँ पर हमें इमेज शो की जा रही है। अब एक और रैंडम इमेज हम देख लेते हैं। अब ये इमेज उठाई हमने, फिर नेक्स्ट टैब पे ओपन की तो हमें एक और वेबसाइट पे ये पिक्चर ले गई जहाँ पर ये इमेज लगाई गई थी। तो अब यहाँ पर आप देखें, मेरा कहने का मतलब ये है आपका कि अगर ये वेब ये जो पिक्चर्स हम अपने प्रोजेक्ट्स में लगा देते हैं, अगर कोई वेबसाइट्स ऑनर जिसकी ये पिक्चर है, जिसकी ये वेबसाइट पे ऑलरेडी लगी हुई है, तो अगर आप वो उठा के अपने वेबसाइट पे अगर लगाते हैं तो वो जाहिर सी बात है कि वो आपको कॉपीराइट या कुछ ऐसा करेगा जिससे आपकी वेबसाइट और बंद करवा सके। तो उसके अलावा अगर आप सोशल मीडिया पे मैक्सिमम जो लोग यूट्यूब पे लिए जो इमेजेस यूज़ करते हैं वो गूगल इमेजेस से जो यूज़ करते हैं वो ना करें, बिकॉज ये ऐसे किसी ना किसी वेबसाइट से उठाई गई है और आपको नहीं पता कि इसका जो ऑनर है क्या वो आपको लाइसेंस प्रोवाइड कर रहा है, वो अथॉरिटी आपको देगा कि आप इसकी इमेज अपने प्रोजेक्ट या अपने वीडियोज़ या अपने यूट्यूब की थंबनेल वगैरह में यूज़ कर सकें। तो ये आपको बताने का मतलब मेरा था कि आप यहाँ पर कोई भी पिक्चर जो भी पिक्चर है, आप कोई भी पिक्चर उठा लें, उसको ओपन एंड नेक्स्ट टैप करें, आपको कोई ना कोई वेबसाइट पे ये इमेज ले जाएगी। किसी ना किसी की ये अथॉरिटी है और ये अथॉरिटी अब हर कोई आपको फ्री यूज़ करने को नहीं देता। तो अब जैसे ही यहाँ से मैंने ये इमेज उठाई तो ये इमेज एक अमेरिकन आई थिंक न्यूज़ चैनल है CNBC जिसकी ये इमेज है। तो अगर आई थिंक अगर ये आपको कॉपीराइट स्ट्राइक भेजना चाहें तो भेज सकते हैं, बिकॉज ये इनकी अथॉरिटी है, ये आपकी अथॉरिटी नहीं है, ना ही आपने इनका लाइसेंस परचेज किया हुआ है, ये इनकी अथॉरिटी है, तो आपको स्ट्राइक भेज सकते हैं, तो बी सिक्योर। तो अब हम बात करते हैं कि हम गूगल से फ्री पिक्चर या फ्री इमेजेस डाउनलोड कैसे कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर ये हमारे पास टूल गिवन दिया गया है। जैसे आप टूल पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर एक न्यू टैब जैसा आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसमें साइज, कलर, यूजेज राइट, टाइप एंड टाइम देखने को मिलता है। तो हमें यहाँ पर यूजेज राइट्स चाहिए, तो आप यहाँ पर जैसे यूजेज राइट को क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पर 5 ऑप्शंस आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए, तो नो फिल्टर बाय लाइसेंस जो कि हुआ है, ये कोई भी वेबसाइट से उठा के आपको
रैंडमली दे देता है, और कोई गारंटी नहीं है कि आपको इस इमेज पे कॉपीराइट स्ट्राइक क्लेम वगैरह आ सकता है। लेबल्ड फॉर रीयूज विद मॉडिफिकेशन, अब आपको यहाँ पर पता चल रहा है लेबल्ड फॉर रीयूज, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं ये इमेज तो आपको उस इमेज में हल्की फुल्की मॉडिफिकेशन लाइक कलर चेंज कर दिया, कॉन्ट्रास्ट चेंज कर, कलर्स को आपने चेंज करना है तो आप सेकंड वाला सिलेक्ट कर लें। अगर आपको लगता है आप इसमें चेंजिंग नहीं कर सकते तो आप यहाँ पर लेबल्ड फॉर रीयूज पे आके सिलेक्ट कर लें। अब जैसे यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे गूगल होगा रीलोड, एंड आपके पास अब जो आपको पिक्चर यहाँ पर देखने को मिलेंगी वो फ्री आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक रैंडम पिक्चर फिर से उठा लेते हैं, अब ये वाली उठा लेते हैं और इसको ओपन एंड न्यू टैब करते हैं तो हमें कौन सी वेबसाइट्स पे ले जाती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये pixabay.com से उठाई गई और ये रही है इमेज। तो अब pixabay.com पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी आ रहा है, आप ज़रूर जाके वो देखें कि आप कैसे वो इमेजेस यूज़ कर सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं pixabay, Unsplash और pixels.com के अलावा जो कि आप कहीं से भी पिक्चर्स उठा सकते हैं फ्री टू यूज़। अब जैसे कि आपको पता चल चुका है कि आप अपनी इमेजेस कैसे फ्री टू यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर हम एक और पिक्चर यहाँ पर रैंडमली सिलेक्ट कर लेते हैं, लाइक ये वाली कर लेते हैं, इसको फिर हम लोग ओपन एंड न्यू टैब कर लेते हैं। अगेन pixabay.com फ्री वेबसाइट। अब ये तो आपको क्लियर हो चुका है, अब जैसे आप इसको फिल्टर लगाते हैं गूगल्स पे आके तो आपको फ्री इमेज वेबसाइट पे ले जाता है, जो कि मैं ऑलरेडी कंपैरिजन कर चुका हूँ, क्योंकि आप जो फ्री यहाँ पर लगाते हैं गूगल पे आके फिल्टर लगाते हैं फ्री यूज़ का रीयूज़ का, तो आपको pixabay.com और उन वेबसाइट्स पे ले जाता है गूगल जो कि आपको फ्री पिक्चर या वीडियोज़ प्रोवाइड करता है। तो आप डायरेक्टली भी pixabay.com और फ्री स्टॉक इमेजेस वेबसाइट वगैरह पे जाके खुद भी पिक्चर्स उठा सकते हैं। तो ये रही आज की छोटी सी इन्फॉर्मेशन, तो उम्मीद आपको ज़रूर पसंद आई होगी, बहुत से लोगों को शायद ये नहीं भी पता हो, जिनको नहीं पता था तो वो पता चल चुका है और जिनको पता था तो वेल एंड गुड। ये आपने वीडियो भी लाइक कर दी होगी, चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लिया होगा। खुश रहिए, आबाद रहिए, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।